हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पास आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि आपको क्या करना है, कथन को पढ़ना है, तर्क को पढ़ना है, और साथ ही साथ ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं। इसका रीजन ये दिया गया है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये। तो अगर पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर एक पॉलीमर्स होते हैं एक टाइप के, और पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाए जाते हैं, यानी जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। जैसे आपका रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, वूल हो गया, ये सभी क्या है आपके? नेचुरल पॉलीमर्स। अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जिन्हें केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है लैब में। जैसे आपको पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, इपॉक्सी हो गया, ये सभी क्या है आपके? सिंथेटिक पॉलीमर्स हो जाएंगे। यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ दोनों ही सही है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी अपेक्षा जो आपके सॉरी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर की अपेक्षा कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। जब कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो उन्हें सूखने में भी कम टाइम लगेगा, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो यहाँ दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो खाली ब्लैंक्स है इनमें क्या फिल किया जाएगा, ये आपको बताना है। कह रहा है एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो दाईं ओर पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित है। अब इसके लिए तो पेट में जाना पड़ेगा। ये आ गया आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका स्टमक। कह रहा है स्टमक के ऊपरी हिस्से में स्थित है, तो ऊपरी हिस्से में तो आपका लीवर है, और ये किस कलर का है? ये आपका ब्राउन कलर का है। तो यहाँ पास फर्स्ट में तो हो जाएगा आपका लीवर, की लीवर एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो दाईं ओर पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखें कि जो लीवर होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद कह रहा है कि यह डैश को स्रावित करता है जो डैश में संग्रहित होता है, यानी जो आपका लीवर होता है वो पित्त रस को स्रावित करता है, पित्त रस को प्रोड्यूस करता है, और पित्त रस जो होता है वो आपका पित्ताशय में, यानी कि यहाँ ये आपकी पित्ताशय है, यहाँ क्या होता है? कलेक्ट होता है। और इसका जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? ये पित्त रस वसा के पाचन में हेल्प करती है, और वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वसा का पाचन मनुष्य के शरीर में छोटी आंत में होता है। किसकी सहायता से? पित्तरस की सहायता है। पित्तरस कहाँ कलेक्ट होता है? पित्ताशय में कलेक्ट होता है। बनता कहाँ से है? तो लीवर में बनता है। तो यहाँ फर्स्ट में तो हो जाएगा लीवर, दूसरे में आपका हो जाएगा पित्तरस, और तीसरे में हो जाएगा पित्ताशय, और चौथे में हो जाएगा वसा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस फिगर से आप रिलेट कर सकते हैं और आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फसलों से रिलेटेड है, यानी कि जो फसलें होती हैं मुख्य रूप से, भारत में मुख्य रूप से दो फसलें ज्यादातर जानी जाती है, एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहाँ जो डैश है यानी जो खाली स्थान है वहां क्या फिल किया जाएगा। स्टेटमेंट के बारे में क्या दिया गया है कि जिन फसलों को मध्य नवंबर के आसपास बोया जाता है और अप्रैल मई में काटा जाता है, तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं? ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। और इन फसलों के दो उदाहरण कौन से हो जाएंगे, यानी कि जो ठंडी के टाइम में होते हैं कौन कौन से फसलें होते हैं? या तो आपकी वो गेहूं हो जाएंगी, जौ हो जाएगा, मटर हो जाएगी, चना हो जाएंगे, सरसों, ये सभी क्या है? रबी की फसलें हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस में आपका रबी की फसल आएगा, सेकंड में आएगा आपका गेहूं और सरसों, तो यहाँ फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक अभिकथन दिया गया है, उसी से रिलेटेड तर्क दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला कह रहा है कि जो फॉस्फोरस होता है वो मिट्टी के तेल में स्टोर किया जा सकता है, और सेकंड कह रहा है कि हवा के संपर्क में आने पर फास्फोरस आग पकड़ लेता है। तो अगर फास्फोरस की बात करें तो आपने माचिस की तीली देखी होगी, माचिस की तीली में या तो रेड कलर का कुछ पाउडर लगा रहता है या तो ब्लैक कलर का पाउडर लगा होता है, वो दोनों ही फास्फोरस होते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो फास्फोरस होता है वो हवा के संपर्क में आने से जल जाता है। तो क्या गलत है ये? गलत नहीं है, दोनों ही सही है। यानी कि जो माचिस की तीली में लगा होता है पेस्ट, वो फास्फोरस ही होता है, और जो फास्फोरस होता है वो हवा के संपर्क में आते आग पकड़ लेता है।
लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ सफेद फास्फोरस के लिए है, यानी सफेद या पीला दोनों ही हम कह सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फास्फोरस मेनली तीन टाइप के होते हैं आपके, सफेद या पीला, लाल और काला। जो लाल फास्फोरस होता है और काला फास्फोरस होता है, ये हवा के संपर्क में आते ही आग नहीं पकड़ते। लेकिन अगर सफेद फास्फोरस की बात करें, तो सफेद फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा वो तुरंत आग पकड़ लेगा। इसलिए इसे पानी में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वहां उसे हवा ना मिले, वो क्योंकि ज्वलनशील होता है। और यहाँ दिया भी गया है कि यह विषालय नहीं होता है और ना ही इसमें कोई गंध उत्पन्न होती है। यह जल में नहीं घुलता, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। तेल में क्यों नहीं रख सकते? तेल में हम इस वजह से नहीं रख सकते क्योंकि जो सफेद फास्फोरस होता है वो तेल में घुलनशील होता है, इसलिए हम इसे मिट्टी के तेल में भी स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड तो सही है, यानी तर्क सही दिया गया है कि हवा के संपर्क में आते ही फास्फोरस आग पकड़ लेता है। लेकिन जो अभिकथन दिया गया है कि फास्फोरस मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, यानी ए गलत है, आर सही है। तो किस में दिया हुआ है? थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो सफेद फास्फोरस होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे पटाखे और डिफरेंट टाइप्स के, आपके आपने देखा होगा कि आपने शादी वादी में जो पटाखे ऊपर फोड़े जाते हैं, यानी कि जो नीचे आग लगा दी जाती है और ऊपर जाके ब्लास्ट कर जाते हैं, उनमें सफेद फास्फोरस ही पाया जाता है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी सतह पर आराम से पड़ी है तो आप उस पर कार्य करने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यानी मान लीजिए आपने कोई पेन ऐसे छोड़ दिया, यानी कि आपने किसी टेबल पे आपकी बुक्स रखी हुई हैं। बुक्स क्या हैं? बुक्स आपकी स्टेबल हैं, ना ही वो खिसक रही हैं, ना ही कोई एक्टिविटीज कर रही हैं, वो स्टेबल हैं, एक जगह पर आराम से पड़ी हुई हैं। तो उनमें से क्या स्टेटमेंट निकल के आता है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि क्या उनमें कोई बल नहीं लग रहा, या उस पर कोई संतुलित बल लग रहा है, या संतुलित बलों के कई जोड़े उस पर काम कर रहे हैं? तो क्या निष्कर्ष निकल के आएगा? आपके सामने एक टेबल है, उस पर एक बुक पड़ी हुई है। जब भी कोई वस्तु आराम से रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। उस पर फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। यानी अगर कोई वस्तु है तो उसकी उसमें ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ भी फोर्स लगेगा। लेकिन जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये जो बुक है ये आपकी स्टेबल है, यानी ये तो हम नहीं कह सकते कि उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या इसमें एक ही फोर्स लगेगा? यानी यहाँ तो आपका ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ भी ऊपर की तरफ भी लग रहा है, नीचे की तरफ भी लग रहा है। यानी सारी मतलब अगर बुक की सरफेस की बात करें तो पूरी सरफेस में बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यानी कई सारे जो फोर्स हैं उनकी कई सारी जोड़ी इस पर काम कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा कि इस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा। दूसरा कह रहा है कि संतुलित बलों की एक जोड़ी इस पर कार्य कर रही, ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड कह रहा है कि संतुलित बलों के कई जोड़े इस पर कार्य कर रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी ए गलत है लेकिन बी एंड सी सही हो जाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक अभिकथन दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड तर्क दिया हुआ है। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभिकथन दिया गया है कि जो मांसाहारी होते हैं उनकी तुलना में शाकाहारी जीवों की जो आंत होती है वो बहुत लंबी होती है। रीजन दिया गया है कि जो सेल्यूलोज होता है वो मांस की तुलना में पचाने में बहुत अधिक कठिन होता है, इस कारण से ऐसा होता है। सही है या गलत है आइए जान लेते हैं। ये है आपका शाकाहारी, खरगोश पूरी तरह से शाकाहारी होता है, वो मांसाहारी नहीं होता। और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो आंत होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है। ये मांसाहारी है, यानी फॉक्स की बात कर रहे हैं, फॉक्स होती है आपकी मांसाहारी। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी जो आंत होती है वो शाकाहारी की तुलना में छोटी होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो खाते हैं आपके घास, प्लांट्स, और उनमें फाइबर और सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और जो सेल्यूलोज होते हैं और फाइबर होते हैं उनको डाइजेशन में बहुत अधिक टाइम लगता है, इस वजह से इनकी आंत जो होती है वो लंबी होती है। तो यहाँ दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी अभिकथन भी सही है और जो तर्क दिया गया है वो भी सही है। यानी दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। यह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ कई सारी इंफॉर्मेशन भी मैंने मेंशन की है, आप इसे रिलेट करके चीजें
याद कर सकते हैं, ये आपको याद करने में हेल्प करेंगी। ये पीडीएफ जो है ये आपको फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? चूना पत्थर, चौक, संगमरमर या त्वरित चूना जिसे क्विक लाइम कहते हैं। अगर क्विक लाइम की बात करें तो क्विक लाइम का जो रासायनिक यौगिक होता है, एक ये रासायनिक यौगिक होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है, तो जो क्विक लाइम होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। यहाँ किसकी बात की जा रही है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो आपका क्विक लाइम होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं होगा। यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी गई है। क्विक लाइम इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज एल्कालाइन यानी एल्कालाइन ग्रुप का ये सदस्य होता है, एलिमेंट होता है। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक विकास प्रक्रिया की निम्नलिखित में से कौन सी वांछनीय विशेषताएं हैं? वांछनीय मतलब निगेटिव पूछ रहा है आपसे कि पाठ्यपुस्तक के बारे में जो भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो इसको फॉलो नहीं करती, यानी इसके बारे में सही नहीं है, ये आपको बता रहा है। पहला कह रहा है कि हमें एक राष्ट्र एक पाठ्यपुस्तक मानदंड का सख्ती से पालन करना चाहिए। क्या हमें सख्ती से पालन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम सख्ती से पालन नहीं करेंगे। यहाँ तो पहला निगेटिव है। सेकंड क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तकों के लेखन की वास्तविक प्रक्रिया में केवल अभ्यास करने वाले वैज्ञानिक शामिल होने चाहिए, ये भी निगेटिव है। थर्ड कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के गहन और व्यापक क्षेत्र में परीक्षण किए जाने चाहिए, ये तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फोर्थ देखते हैं क्या दिया गया है। फोर्थ दिया गया है कि व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पाठ्य पुस्तक लेखन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तीन निगेटिव दिए गए हैं, एक पॉजिटिव दिए गए हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? डिजायरेबल प्रोसेस पूछ रहा है, डिजायरेबल फीचर्स पूछ रहा है कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए कौन सा डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए इसके अलावा, यानी एक को छोड़कर। सॉरी, क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है, यहाँ चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों ही पाठ्य पुस्तक विकास प्रक्रिया की विशेषताएं बता रहे हैं। तीन क्या है? तीन निगेटिव एस्पेक्ट में ही एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को आपको फाइंड करना है। यहाँ एक ही पॉजिटिव था, इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ बात करें जो कोयला होता है उसकी, अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें तो सॉलिड फॉर्म होता है कोक, लिक्विड फॉर्म होता है कोल टार, जो गैसियस फॉर्म में होता है वो होता है कोल गैस। अगर कोक की बात करें तो कोक का इस्तेमाल किया जाता है आयरन और अदर मेटल्स के निर्माण में, यानी कि जो स्टील के बर्तन होते हैं वो कोक की हेल्प से बनाए जाते हैं, उसमें कोक का इस्तेमाल किया जाता है। और कोक के बारे में इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा कोक, और कोक दिया हुआ है फर्स्ट में, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऐसा है जो पक्षियों में नहीं पाया जाता, यानी कि हमारे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो उसी में से आपसे पूछ रहा है कि बर्ड्स की अगर बॉडी की बात करें तो बर्ड्स की बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मनुष्य में तो पाया जाता है लेकिन बर्ड्स में नहीं पाया जाता। ऑप्शन आपके सामने है, तो अगर आप यहाँ देखें तो बर्ड्स में किडनी भी पाई जाती है, इंटेस्टाइन भी पाई जाती है, लीवर भी पाई जाती है, लंग्स भी होता है, हार्ट भी होता है, लेकिन पेशाब की थैली पक्षियों में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही पाई जाती है, एनिमल्स में भी पाई जाती है लेकिन बर्ड्स में नहीं पाई जाती। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको वहां से ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एग्जाम तक क्लासेस डेली चलने वाली हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन साइंस रिलेटेड एग्जाम में गलत करके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।